لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े क़यामत सबसे पहले खून के मुकदमात का फैसला होगा कि जिनका फैसला यहाँ नहीं हुआ था वहाँ होगा, और जिन पर जुल्म किया गया था उन्हें बदला देना होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत लोगों के दरमियान सबसे पहले खून के मुकदमात का फ़ैसला किया जाएगा। इस रिवायत को इमाम बुखारी ने किताब अर-रिक़ाक़ में बाब अल-क़िसासु यौमुल क़ियामा के तहत रिवायत किया है। इसी तरह जिसने इंसान को कत्ल करने की इब्तिदा की थी उसके गुनाह की शिद्दत हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई शख्स जुल्मन कत्ल किया जाता है तो इसके खून की जिम्मेदारी का एक हिस्सा हजरत आदम अलैहि सलाम के बेटे काबील के सर होता है, क्योंकि ये पहला शख्स है जिसने कत्ल की इब्तिदा की। इसे भी इमाम बुखारी ने रिवायत किया है किताबुल अंबिया में बाब खलक आदम सलावातुल्लाहि अलैहि व ज़ुर्रियतिही। और इस तरह उलमा ने इससे ये मसला निकाला है कि जो शख्स भी किसी जुर्म की गुनाह की इब्तिदा करता है जब तक वो गुनाह होता रहता है उस शख्स को भी उस गुनाह में से हिस्सा मिलता रहता है। इसी तरह जो शख्स किसी अच्छी चीज़ की इब्तिदा करता है तो जब तक वो अच्छी चीज़ होती रहती है तब तक उस शख्स को भी उसमें से सवाब मिलता रहता है। अल्लाह ताला सबकी जानो माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।